ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। सुशासनिक सरकार एक तरफ राज्य में कानून का राज्य तथा भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए तत्पर है, लेकिन भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला राजधानी के कंकड़बाग स्थित एक नर्सिंग होम का है, जहां एडवारबुर्ग का रहने वाला युवक हर्निया का इलाज कराने निजी अस्पताल पहुंचा। 12 दिन तक उसका इलाज चलने के बाद मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधक ने परिजनों का मरीज की मौत होने की सूचना नहीं दिया, बल्कि मरीज में हो रहे खर्च 5 लाख रुपया जमा करने की कहा। मरीज के परिजनों ने 5 लाख रुपया जमा करने के बाद शव को दे दिया। उसके बाद अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि आपका मरीज की स्थिति सही नहीं है, तो परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक से रेफर करने की बात जोर डाला। तभी अस्पताल प्रबंधक ने मरीज की मौत होने की जानकारी दिया। मरीज के परिजनों ने बताया कि मरीज की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन अस्पताल चिकित्सकों ने मरीज की किडनी निकाल लिया, जिसके कारण मरीज की मौत हुई है। मरीज की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में हंगामा की सूचना जैसे ही संबंधित थाना को मिला, मौके पर पुलिस अस्पताल पहुंच गई। पूरी घटना को पुलिस अफसर ने सुनने के बाद मामले को अनुसंधान होने की बातें कहकर आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। बहरहाल इस तरह की वाकया लगातार निजी अस्पतालों में सुनने के बाद भी जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होती है। मरीज का किडनी कई बार जांच में पाया गया कि निकाला गया है, बावजूद आज तक किसी भी अस्पताल पर कार्रवाई होने की बात नहीं दिखा। आखिर सुशासन बाबू के राज में कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है, अफसर की चिकित्सक या नेता? सवाल अभी भी है, बृहद जांच की जरूरत है। कुमार केसरी नाम हुआ, मेरे पिताजी के नाम नरेश प्रसाद केसरी हुआ। यहाँ आए थे फर्स्ट दिन 12 तारीख को आए थे, यहाँ डॉक्टर बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन हर्निया के मशीन से हर्निया के ऑपरेशन किया है। अब हम बोलबो किए कि सर मशीन यहाँ डेवलप नहीं हुआ इंडिया में, कौन दुनिया में रहते हैं? यहाँ डॉक्टर नवनीत कुमार बोला, यहाँ के और सब स्टाफ लोग बोला, जो यहाँ के डॉक्टर लोग रहते हैं। आज क्या हुआ? बोला कि ऑपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में आज ऑपरेशन करेंगे, कल छुट्टी दे देंगे 13 तारीख को। अच्छा, और बाद क्या हुआ? रात में सीरियस 2 बजे रात में हो गया, 13 तारीख को रात में दो सीरियस हो गया, आँत फट गया है, किडनी में इफेक्ट पड़ गया है। उसके बाद बोला खून छटक गया, यही छटक गया। आज बोल रहा कि ये सब काम हो गया, हमसे मिस्टेक हो गया, डॉक्टर बोल रहा कि हमसे मिस्टेक हो गया। कौन डॉक्टर बोल रहा है? डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा जो फिजिशियन है, और सर्जन डॉक्टर नवनीत कुमार है जो सर्जन है, वो खुद बोले कि हमसे मिस्टेक हो गया है। कौन पड़ेगा? कहाँ से आए हैं आप लोग? हमने द्वारपुर पटना से है। जो भर्ती थे कौन थे? मेरे पिताजी। क्या करते थे? मिठाई का दुकान है छोटा सा। तो आज मतलब क्या हुआ? आज डॉक्टर जवाब दे दिया कि नहीं पहुँचेंगे। आज डॉक्टर की आज जवाब दिया, 25,000 के सुबह में दवाई मंगाया, शाम को 2 बजे हमसे 8600 रुपया के दवाई मंगाया है। तो 5 लाख से ऊपर खर्च कर चुका है। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार केसरी नाम हुआ मेरा। हॉस्पिटल में बताया आपका? हॉस्पिटल में कोई नहीं बताया, आज शाम को बता रहा है कि हम बोले कि सर यहाँ से हम नहीं संभल रहा है, डॉक्टर जखनी बोला कि नहीं संभल रहा है हमसे, तो हम IGMS है ना, इंदिरा हॉस्पिटल, वहाँ हम बात किए, सब चीज़ किए कि मरीज को लेके आई है। मरीज को लेके आने के लिए बोले तो यहाँ बोले कि हम मरीज को हम ले जाएंगे, तो उसके बाद शाम के बोलता कि मरीज मर गया। अच्छा, तो अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम मांग कर रहे हैं कि मेरा जिससे हम बहुत कर्जा महाजन ले चुके हैं, सबसे से लेके हम यहाँ बाबू जी के दिखाए हैं, मेरे बाबू जी के बस इतने है कि हमको बाबू जी के दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल का सही चीज बताए, का किया पेशेंट के साथ, का किया बताए, हम लोग बात करें यहाँ पे आके बात करें।